नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूँ आपके साथ रश्मि। प्रशांत किशोर की एंट्री से बिहार की राजनीति में बेचैनी बढ़ चुकी है। बता दें कि जिस तरह से प्रशांत किशोर ने जन स्वराज का ऐलान किया है, इसको लेकर अलग अलग राजनीतिक दलों की तरफ से प्रशांत किशोर पर जमकर निशाना साधा जा रहा है। हालांकि इससे प्रशांत किशोर को कोई फर्क नहीं पड़ता, ये बात खुद प्रशांत किशोर की तरफ से कही गई है। ऐसे में बात अगर हम करें तो अब तक प्रशांत किशोर दूसरों के लिए सलाह देते थे, दूसरों को किस तरह से जीत हासिल करवाया जाए इसको लेकर रणनीति बनाते थे, लेकिन अब प्रशांत किशोर के कदम खुद के लिए उठेंगे और ये कदम उठने वाले हैं बिहार में। ऐसे में आखिर दूसरे दलों को प्रशांत किशोर से परेशानी क्यों हो रही है, ये हम आपको बताते हैं। आपको बताएं कि दूसरे दलों की चुनावी राह को अब तक आसान बनाने वाले प्रशांत किशोर उर्फ पीके के राजनीति की ओर प्रस्थान से बिहार के दलों में बेचैनी है। कई मुद्दों पर मतभेद रखने वाले, एक दूसरे पर सत्ता हमलावर रहने वाले सारे दल पीके के विरोध के मामले में एक नजर आ रहे हैं। किसी ने भी अभी तक पीके की कदम की प्रशंसा नहीं की है, चारों तरफ से हमले किए जा रहे हैं, यह इनकार में स्वीकार का संकेत है। बता दें कि प्रशांत किशोर ने अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में 30 साल के लालू रावड़ी एवं नीतीश कुमार के शासन पर जैसे ही सवाल उठाए, वैसे ही सबने उनके नए अवतार को चौतरफा घेर लिया। उन्होंने भी नहीं बख्शा जिसके लिए प्रशांत ने कभी चुनावी फील्ड सजाई थी, रणनीति बनाई थी। लालू प्रसाद ने उन्हें घुमंतू जीव बताया तो नीतीश कुमार ने पीके के बयान की सत्यता पर ही सवाल उठा दिए। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने धंधेबाज बताया तो तेजस्वी यादव ने पहचानने से ही इनकार कर दिया। कहा कि किसी के आने जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, सभी बड़े दलों के सारे बड़े नेताओं के बोल वचन का संकेत साफ है कि प्रशांत किशोर के नए पैतरे से बिहार की राजनीति में अभी से ही खलबली है। आगे आगे देखना है कि आखिर क्या कुछ तस्वीरें बिहार की राजनीति से देखने को मिलती है, लेकिन पक्ष विपक्ष में पीके के संभावित असर का आकलन अभी से किया जा रहा है। सत्ता की राजनीति में दो ध्रुव पर खड़े लालू प्रसाद और नीतीश कुमार के सुर ताल इस मामले में एक से नजर आ रहे हैं। ऊपर से दिखाया जा रहा है कि किसी दल का कुछ नहीं बिगड़ने वाला है, लेकिन अंदर ही अंदर निपटने की तैयारी भी की जा रही है। हालांकि प्रशांत किशोर ने अभी कोई राजनीतिक पार्टी बनाने की बात नहीं कही है, लोगों से अभी से मिलना जुलना शुरू कर दिया है। लेकिन जिस तरह से प्रशांत किशोर की एंट्री बिहार की राजनीति में हुई है, इस एंट्री ने खलबली मचा दी है और यही वजह है कि पक्ष और विपक्ष के बड़े बड़े नेता इस वक्त एक जैसे बोल बोल रहे हैं। तेजस्वी यादव जो हमेशा ही नीतीश कुमार पर हमलावर होते रहते थे, पीके के मामले में इन ये दोनों एक जैसे बयान दे रहे हैं। एक तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रशांत किशोर के बयान पर ही सवाल उठा रहे हैं, तो वहीं तेजस्वी यादव ने प्रशांत किशोर को पहचानने से ही इनकार कर दिया। मतलब साफ है कि भले ही ये लोग खुलकर बोलने से इनकार कर रहे हो, लेकिन दबी जुबान में हर कोई प्रशांत किशोर के आने से बेचैन है और यही वजह है कि अलग अलग बयानबाजी पक्ष और विपक्ष के नेताओं की तरफ से की जा रही। हालांकि आगे प्रशांत किशोर बिहार में और क्या कुछ करते हैं, किस तरह से आगे उनकी तरफ से काम किए जाते हैं, ये तो समय के साथ पता चलेगा। लेकिन इस वक्त प्रशांत किशोर ने की एंट्री ने बिहार के नेताओं के बीच जो बेचैनी है वो बढ़ा दी और यही वजह है कि अलग अलग तरह के बयान इन लोगों की तरफ से दिए जा रहे हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। ज्यादा अपडेट के लिए आप बने रहिए न्यूज़ फॉर नेशन के साथ। नमस्कार।